इंदौर से आ रही बड़ी खबर की ओर नजर डालते हैं, जहां प्रीति जिंटा ने खजुराना गणेश मंदिर के दर्शन किए हैं। आपको बता दें, अपनी टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्होंने ये कामना की है। तो बिना किसी को बताए गुपचुप तरीके से दर्शन करने पहुंची थी प्रीति जिंटा। तो 6 मई इंदौर के होलकर स्टेडियम में आईपीएल मैच होने वाला है और साथ ही प्रीति की टीम किंग्स इलेवन पंजाब करेगी राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला। तो बड़ी खबर इंदौर से आपको दिखा रहे हैं, जहां बिना किसी को बताए गुपचुप तरीके से प्रीति जिंटा दर्शन करने पहुंची थी खजुराना मंदिर में। आपको बता दें, प्रीति की टीम किंग्स इलेवन पंजाब राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला करेंगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रीति जिंटा खजुराना गणेश मंदिर के दर्शन कर रही हैं, वहीं अपनी टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिए कामना कर रही हैं। तो प्रीति जिंटा की टीम है किंग्स इलेवन पंजाब। आपको बता दें, 6 मई इंदौर के होलकर स्टेडियम में आईपीएल मैच होने वाला है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। उसी को लेकर अपनी टीम के अच्छे प्रदर्शन को लेकर कामना कर रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ बाबू शेख जुड़ चुके हैं। जी बाबू शेख जी, प्रीति जिंटा खजुराना गणेश मंदिर में दर्शन करने पहुंची है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसा कि प्रीति जिंटा की टीम किंग्स इलेवन पंजाब चार उनके मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में उसी की मनोकामनाएं लेकर वो इंदौर के खजराना मंदिर पहुंची है और साफ तौर से सीसीटीवी फुटेज में वो दिख भी रही है मंदिर में दर्शन करते हुए। ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के सारे पहलू को देखते हुए उन्होंने किसी को बताया नहीं, अचानक वो खजराना मंदिर पहुंची और उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन वहां पर किए और साथ ही वहां पर जो फूल है वो भी लिया और किसी को बताया तक नहीं था प्रशासन को भी। इससे साफ तौर से ये नजर भी आ रहा है कहीं ना कहीं किंग्स इलेवन पंजाब की टीम इंडियन मुंबई से कल हार चुकी थी, हो सकता है कि उसी के बाद वो भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे, अपनी टीम अच्छा प्रयास करे, अच्छा बेहतर खेले इंदौर के होलकर स्टेडियम में, इसी को लेकर उन्होंने मान मन्नत की है वहां पर जाकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इंदौर में जिस तरीके से प्रीति जिंटा ने टिकटों के रेट बढ़ाए थे और ये कहा था कि अगर इंदौर की जनता उनका सपोर्ट नहीं करेगी तो आने वाले समय में वो इंदौर में किसी प्रकार का उनका होम ग्राउंड नहीं बनाएगी, तो इंदौर की जनता ने भी उन्हें नकारा और हार के बाद कह सकते हैं कि वो इंदौर के खजराना मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंची थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।